समझते हैं, वैसे राजस्थान के हैं लेकिन राजस्थान में हमको भी काफी पसंद है क्योंकि हम लोग दाल बाटी बहुत खाते हैं। फेवरेट है, मेरी फेवरेट है दाल बाटी। हाँ, किसी का फोन आ गया, मुझे लगता है आपके लिए फोन आया होगा। अच्छा मोहित, सूरत मोहित जे सरस रीते अवाज में आपने मोहित करी रहे छे, एवं जो एक सुंदर नव एल्बम लेने आवे छे, और वो एल्बम कौन सा है मोहित? तो अपना नया सॉन्ग आया है जिसका नाम है वही वही, और ये वैसे तो 4-5 मिनट का गाना है पर इसे 3 शब्दों में अगर समराइज करना उस गाने को तो वो 3 शब्दों में आई मिस यू, आई मिस यू। वेल हुरत आए एवं शब्दों से जो खरेखर कोई पण जानीता अथवा तो आपना मानीता व्यक्ति होय तेना माटे आपणे हमेशा यूज करता होय छे के आई मिस यू, लेकिन उस शब्द है उसका आपको जो नया गाना है वो वही, तो आई मिस यू उसमें है क्या? तो है ना सर, हुआ क्या था, एक दिन मैं मेरे ऐसे दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था, ऐसे बिल्कुल ऐसे बस बीन बैग्स थे जगह, तो हम दोस्तों साथ में बैठे हुए थे और मुझे किसी की याद आ रही थी, और उसकी याद आ रही तो मेरे साथ कैसा होता है कि अच्छा ये ना अपन सबके साथ में होता है कभी ना कभी कि हम किसी जगह पर होकर भी वहाँ पे नहीं होते हैं। ये काफी ज्यादा हमारे सूरती बच्चों के साथ होता है, वो लोग स्कूल में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, बाहर बैठे हैं, लेकिन चाय पीते हैं, लेकिन चाय पीते पीते वो सोच कुछ अलग रखते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, पता नहीं क्या सोचते हैं, पढ़ते पढ़ते भी काफी सारी एग्जाम भूल जाते हैं क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी एग्जाम जो प्यार है उसके अंदर वो लोग पढ़ जाते हैं। तो वैसी ही कुछ चीज है, वैसी ही कुछ बढ़िया सी बात है, वैसी ही कुछ राज की बात है जो लेके अभी मोहित हमारे साथ आए हैं। उनका नया सॉन्ग उन्होंने लॉन्च किया, यूट्यूब पे लॉन्च किया है, उसका नाम है वही। यह वही बात है जो सूरत हमें हमेशा याद रखती है, हमेशा याद हम रखते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं, स्कूल में होते हैं या फिर हम प्यार में होते हैं, तो ही प्यार भरी बात है। और कौन सी बात है? तो जाना सर, एक तो मैं तारीफ करना चाहूंगा, जब बोलते हैं ना सर तो मेरी बोलने की इच्छा नहीं होती, मेरी इच्छा करती है मैं बस सर को सुनूं, और बहुत ही कमाल बोलते हैं तो है ना, मैं उसके पैसे लेता हूँ बहुत ही कमाल, मतलब ध्यान ही नहीं हटता है आप जब बोलते हैं उस चीज से। तो है ना सर, कैसा कि तो मैं उसको याद कर रहा था, तो याद करते करते ना एकदम से बारिश की बूंद की तरह एक लाइन दिमाग में टपकी कि दिल तो वही है वही, और जैसे इसके लिरिक्स आए दिमाग में तो फिर इसकी धुन भी बन गई। एक बारिश की बूंद एक याद बनकर उनके दिमाग में टपकी और दिल तक पहुंची, दिल को भिगो गई, और फिर दिल को भिगोते हुए अपने नसों में रेंगते हुए कुछ ना कुछ ऐसी चीज बन गई जो अभी फिलहाल हमारे रगों में दौड़ रही है। सबसे पहले तो सर वो हाथ की खुजली निकली, हाथ में ऐसी खुजली हुई कि अब तो ये गाना बन रहा है, इसको बनाकर ही मैं छोड़ूंगा, मेरे को कागज पेन दे दो बस। तो मेरे दोस्त लोग ऐसे बैठे हुए थे, मैं फट बिना उनको कुछ बोले एकदम मतलब भूत की तरह, बिना एक्सप्रेशन लेस, ताकि मेरा मूड कट ऑफ ना हो, मैं बस सोच में डूबा हुआ। मैं उठा, भागा सीधे वो गेट से, अपने रूम की तरफ, अपने रूम में खुद को लॉक किया 2 घंटे तक, और 2 घंटे तक मेरे दोस्त लोग गेट खटे डाय, मोहित तू ठीक है ना, क्या हुआ भाई, हमसे कोई नाराजगी है, क्या हुआ तेरे को? फिर 2 घंटे बाद बाहर निकलता हूँ, गाना रेडी करिए भाई, गाना बना रहा था, सुनो कैसा है। तो सुनाइए कैसा। अच्छा इस गाने की गिटार कॉर्ड बहुत डिफिकल्ट है, तो मैं एक बस एक सुर लेकर आप कैसे सुनूंगा? कोई बात नहीं। कितनों ने साचे रिश्ते धागे, रेशम सी डोरी खींचे बांधे, पर मैं न सुनता तोड़ धागे, छोड़ू के पिंजरा पीछे में आगे, अब बस यहाँ पे मन लगता नहीं, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, जिस जगह तू होता है, जहाँ कांधे पे मेरे सर रखे सोता है, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही, हाँ मेरा दिल तो वही है वही।
क्या बात है। और इन सभी का जो हमारे स्टूडियो में भी उपस्थित है, उन सभी का दिल अभी वहीं चला गया है, लेकिन वहीं मत जाइए, यूट्यूब पर जाइए और वहां पे मोहित गौर को सर्च करिए और वहीं जो गाना है उसको गुनगुनाइए, उसको अनुभव कीजिए, उसको फील कीजिए, क्योंकि संगीत में यह जादू है कि आप कहीं पे भी बैठे हो और वो वहां आपको पहुंचा देता है, कुछ ना कुछ रगों में दौड़ता हुआ, कुछ ना कुछ संवेदनाओं को ले जाता हुआ। और अभी फिलहाल जो हमारे साथ मोहित है, मोहित बहुत बहुत एक तो आपको बधाइयां कि भाई इतना बढ़िया सा गाना आपने कंपोज किया है, इतना बढ़िया सा गाना आपने